अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान इलाही और आप देख रहे हैं नैनो सॉफ्ट वेब डिजाइनिंग। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ब्लॉग्स बनाना और इस लेक्चर में हम सीखेंगे आउटलाइन, जो हम कंटेंट लिखेंगे या जो भी हम बॉक्स वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे। पहले हमने सीखा था बॉर्डर लगाना, अब बॉर्डर के आउट पर भी कोई लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे आउटलाइन कहते हैं। उस आउटलाइन को किस तरह से लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ और आउटलाइन ऑफसेट। चलिए यहाँ पर हम बॉडी के टैग के अंदर एक पी का टैग ले लेते हैं, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ फरहान इलाही। ये मैंने एक सिंपल सा कंटेंट लिख दिया और यहाँ पर हम आईडी को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फो लिख देता हूँ, इसे रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए सिंपल कंटेंट आ चुका है। अब इसे यहाँ पर स्टाइल के टैग के अंदर आकर हमने यहाँ पर स्टाइल देना है, हैशटैग लगाएंगे आईडी को कॉल करने के लिए। उसके बाद आईडी का नाम लिखेंगे कर्ली ब्रेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर प्रॉपर्टी नेम्स आएंगी। सबसे पहले आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल में आता है कि आपने बॉर्डर का स्टाइल कैसा रखना है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, डैश्ड रखना है या डबल रखना है। जो मैंने बॉर्डर वाले बताए थे वही स्टाइल यहाँ पर आएंगे। ये देखें, ये डॉटेड लाइंस आ चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास आउटलाइन कलर, क्या आप आउटलाइन को कलर कौन सा देना चाहते हैं। ये देखें रेड कलर आ चुका है। इसके बाद हमारे पास आउटलाइन विड्थ, क्या आउटलाइन की जो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पिक्सल है, आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आउटलाइन विड्थ के ज़रिए से इसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 10 पिक्सल में दे देता हूँ, ये देखें 10 पिक्सल हो चुका है। इसके बाद है आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट ये होता है कि आपका ये कंटेंट जो लिखा हुआ है इस वक्त आप आउटलाइन जो देखेंगे बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर आप इसमें फासला पैदा करना चाहते हैं तो इसे ऑफसेट कहेंगे कि आप इस कंटेंट से इसे कितना दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट, फॉर एग्जांपल मैं 15 पिक्सल दे देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि 15 पिक्सल का जो फासला है इस कंटेंट और आउटलाइन के दरमियान आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर मैं एक और लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको आईडी देता हूँ info1 और यहाँ पर उसे कॉल कर लेता हूँ #info1। कि अगर हम इस कंटेंट को छोटा करना चाहते हैं, अगर आपने मेरा बॉर्डर वाला लेक्चर्स नहीं देखा तो आप उसे देख लें पहले, आपको बेहतर पता चल जाएगा आउटलाइन के बारे में। अगर आप चाहते हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एक ही लाइन में आ जाए, हमें बार बार ना लिखना पड़े इनके बारे में, तो आउटलाइन लिखें और इसके बाद कॉलन दें और यहाँ पर सबसे पहले इसका स्टाइल इसे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ डैश वाला दे देते हैं डैश, और इसके बाद आप चाहे कलर का नाम दें या विड्थ दे दें 2 पिक्सल और यहाँ रेड कर दें। ये देखें रेड कलर की जो है आउटलाइन आ चुकी है। इसका हमें साइज कम करना होगा 5 पिक्सल, और ये भी 5 पिक्सल कर देते हैं। अब ये डिफरेंस आप देख रहे होंगे आउटलाइन का, ये डॉटेड है और ये डैश्ड वाला। इसके बाद ऑफसेट जब आपने देना उसको अलहदा ही देना होगा, आउटलाइन ऑफसेट 10 पिक्सल, देखिए आउटलाइन ऑफसेट 10 पिक्सल आ चुका है। इस तरह आप किसी भी कंटेंट की या ऑब्जेक्ट की आउटलाइन सेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आउटलाइन के बारे में तो आप अपनी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज 932 डेवलपर पर मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।